नम के काशकार भाई, आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। ये मैं मोबाइल को रख रहा हूँ जमीन पर, ठीक है, ताकि आपको इस पौधे की हाइट का पता चले। देख रहे हैं? अच्छा, ये गंदम काश्त है बेसिकली 26 तारीख की। अब ये जो इतनी जगह है ना, जिसको हम सराना कहते हैं, अब ये देखें यहाँ पे टुक्का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी की लीकेज हुई है और यहाँ पे पानी थोड़ा सा यहाँ पे लग गया है गंदम को 5 दिन के बाद, ठीक है। और ये तकरीबन इसकी हाइट ना हैरान कुन तौर पर बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, और टिलरिंग का भी मसला नहीं है। ये देखिए, इसकी टिलर भी अच्छी है, गंदम का कलर भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। अच्छा, आमतौर पर हमारा क्या जेहन होता है कि गंदम को पहला पानी 20 दिन के बाद चाहिए। मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियो में कहा कि जिन भाइयों ने 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर तक गंदम की काश्त की है, वो पहला पानी गंदम को देकर काफी ज्यादा जल्दी लगाए। अब ये देखें, यहाँ पर पानी नहीं लगा। ये गंदम सिर्फ अभी 11 दिन की है, इसको शायद 6 या 7 दिन बाद पहला पानी लग गया है। यहाँ पर देखें कि जहां पर गंदम को अभी कोई पानी नहीं लगा, तो यहाँ और वहां का फर्क देखें जी। ये देखें, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे कोई पानी लगा, अभी पानी इसको हमने लगाना है। अभी ये गंदम हो गई आज टोटल 11 दिनों की, ठीक है। तो जितने भी किसान भाई जिन्होंने अपनी गंदम 26 अक्टूबर तक काश की हुई है, वो पहला पानी जल्दी लगाएं, 10 दिन 12 दिन 8 दिन 9 दिन, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, वत्तर जल्दी खुश्क हो जाता है, और उससे गंदम की बाद में जब वत्तर मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाता है, तो जो गंदम की ग्रोथ है वो मुतासर होती है।